So hi, class 11. I am Atul Rana and I am back with 11 chemistry. Okay. So in the previous lectures, we were studying about chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding and molecular structure. Okay. So last one हमने किया था octet rule. Okay. Now there are covalent bonds, ionic bonds that I will not teach. That will you will study by yourself. Now the important thing that is dipole moment. Dipole moment, okay? Dipole moment. देखो dipole moment क्या होता है? For example, you study ionic compounds. Ionic compounds में साफ है. Ionic compounds are made up of ions. एक plus ion होगी, एक minus ion होगी. Okay? So there will be charge on this. Okay? But covalent में तो जो covalent compounds हैं, में तो कोई charge होता नहीं है. They are neutral. But it is not possible. Sometimes they also develop charge. किसी के ऊपर अगर चार्ज आ जाए ना प्लस माइनस उसको बोलते हैं पोलर बनना ये पोलैरिटी इंड्यूस होना व्हेन समबडी गेट्स प्लस माइनस चार्ज दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी ठीक है किसी के ऊपर चार्ज आ जाए ना प्लस भी माइनस भी दैट इज नोन एज पोलैरिटी ओके सो हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की इट इज अ स्पेशल केस जो स्पेशली कौन देता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखते हैं ठीक है तो हमारे पास याद रख लो सबसे द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है क्लोरीन उसके बाद है ऑक्सीजन उसके बाद है क्लोरीन एंड नाइट्रोजन ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है किसी में से भी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं ये दे हैव द पावर ओके सो दे आर द क्लोरीन एट नंबर वन ऑक्सीजन नंबर टू क्लोरीन एंड नाइट्रोजन दिस इज क्लोरीन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन दे आर नंबर थ्री दे आर मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव तो इन्हीं की वजह से क्या होता है पोलैरिटी आ जाती है कैसे आती है क्यों आती है डाइपोल क्या होता है उस बारे में मैं बात करूंगा देखो डाइपोल मोमेंट से स्टार्ट करते हैं नाउ दिस इज डन स्टार्ट विद डाइपोल मोमेंट देखो ये डाइपोल मोमेंट में क्या होता है एग्जांपल देता हूं HCl यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस इफ यू डोंट नो एक बॉन्ड के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक इसका होगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक इसका होगा दे हैव डन शेयरिंग So a bond has two electrons. Now I told you that chlorine is more electronegative. So chlorine क्या करता है? Bond के electrons को अपनी तरफ खींच लेता है. Chlorine bond के electrons को अपनी तरफ खींच लेता है. Why? Because it has electronegative nature. तो अपने पास खींच के रखता है. तो उसके पास electrons ज़्यादा हो जाते हैं. Bond के electrons का झुकाव chlorine की तरफ ज़्यादा होता है. तो chlorine जिसके पास electrons ज़्यादा होंगे, electron density ज़्यादा होगी. तो उसके ऊपर partially negative ज़्यादा रहेगा. Fully negative नहीं आएगा. Because it is a covalent bond. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई इस बॉन्ड में क्या आ गई इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई इट वाज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग नो चार्जेस बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ क्लोरीन इसके पास क्या आ गई थोड़ी सी पोलैरिटी आ गई मतलब प्लस माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर ठीक है इसके वजह से एक ओवरऑल इस पे पावर बनती है एक फोर्स बनती है ठीक है वेन यू हैव प्लस माइनस चार्ज एक फोर्स होती है एक चार्ज होता है ठीक है उसी चार्ज को क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट उसी चार्ज को क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ठीक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी पोलैरिटी पैदा हो जाएगी ठीक है तो उसको नापने का जो तरीका उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट मतलब उससे जो फोर्स आती है जो पावर आती है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट इसकी यूनिट होती है डी बाय इसकी यूनिट डी बाय यू राइट इट विद डी ठीक है एंड डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट मीन्स फार्मूला होता है इसका चार्ज इनटू डिस्टेंस दिस इज द फार्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस ओके ये तो आगे इसकी जनरल सी इंट्रोडक्शन आपके लिए अब देखो डाइपोल को दर्शाते कैसे हैं अब देखो डाइपोल को दर्शाते कैसे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसकी तरफ एरो लगाएंगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है उसकी तरफ एरो लगाते हैं और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं उसकी तरफ ऐसे लगाते हैं सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग डाइपोल HCl ठीक है आई होप दिस इज इजी टॉपिक एंड विल बी क्लियर दिस इज द मेथड फॉर राइटिंग डाइपोल जैसे मेरे पास है क्या एग्जांपल लू HCl आ गया ठीक है BeCl BeCl तो कैसे है Be है Cl है Cl है इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा क्लोरीन खींचेगा तो क्लोरीन की तरफ ये इस तरफ ये दूसरे बॉन्ड में ऐसे और ऐसे तो दिस इज द वे फॉर रिप्रेजेंटिंग डाइपोल मींस
इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बॉन्ड, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल मोमेंट. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट में इंपॉर्टेंट है वन थिंग, दैट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें तुम सिर्फ उसकी वैल्यू नहीं देखते हो कि 2 है 4 है 6 है, उसकी डायरेक्शन भी देखते हो. डायरेक्शन आल्सो मैटर्स. दैट क्वांटिटी व्हिच कंसीडर मैग्नीट्यूड बट प्लस डायरेक्शन देयर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज. उसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है. एग्जांपल लेता हूं, BeCl2. ठीक है, डाइपोल मोमेंट जानने के लिए यू शुड नो द स्ट्रक्चर BeCl2. तो उसमें कैसे डायरेक्शन है? ऐसे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, और इसमें कैसे होगा? ऐसे होगा. नाउ दीस डाइपोल्स, ये इस तरफ है इस तरफ है, उल्टे है ना, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. तो उसका टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0. बिकॉज़ ये इस तरफ जा रहा डाइपोल, ये इस तरफ जा रहा, दोनों डाइपोल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. बिकॉज़ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन का मैटर करता है, तो डाइपोल विल बी 0. गेटिंग माय पॉइंट? और देखो, और एग्जांपल तुम्हें देता हूं. जैसे आ गया BeCl3, तो ये आ गया B, ये आ गया Cl, ये आ गया Cl, और ये आ गया Cl. ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें तो क्लियर है डाइपोल मोमेंट इस साइड होगा, सिंपल सी बात है. इसमें डाइपोल मोमेंट इस साइड होगा, इस साइड होगा. इसमें डाइपोल मोमेंट जैसा होगा, इस साइड होगा. ठीक है, बट नाउ सिंस डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसकी एवरेज लेते हैं. ये तो ये वाली साइड तो क्लियर है, ये ऐसे करके डाइपोल चला हुआ, इस साइड का आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, तो हम इसकी एवरेज लेते हैं. अब इसकी एवरेज होगी तो कहां आएगी? ये आएगी ना, मतलब डाइपोल इस साइड जा रहा है, एवरेज. दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का एवरेज ले ली, एवरेज लेके डाइपोल किस तरफ जा रहा है? एवरेज लेके इनको एवरेज डाइपोल दोनों का मिला के इस साइड जा रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मैजिक ऑफ डाइपोल क्वालिटी. यहां यहां करके हम एवरेज देते हैं, इसकी एवरेज ले ली. ठीक है, तो अब ये क्या होगा? ये साइड है, ये साइड है, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0. BeCl3 का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0 हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब जैसे तुम एग्जांपल दूं मैं वाटर का, OH, तो वाटर में डाइपोल कैसे है? ये लोन पे लागे. ठीक है, वाटर में इसका डाइपोल ऐसे है और इसका डाइपोल ऐसे है, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. ऐसा है डाइपोल मोमेंट. तो हम ऐसा ऐसा करने की जगह एक डाइपोल देते हैं, एक एक प्लेन का एक डाइपोल, दूसरे का दूसरा, तो इसमें कैसे करेंगे? इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैसे होगा? दोनों का मिला के, दोनों का एवरेज कैसे होगी? ऐसा है दोनों का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ. ठीक है, दोनों का मिक्स करके ऊपर की तरफ लिखिए. इसको मैं साइड में लिख देता हूं, इसको मैं ना लिखता, साइड में लिखता हूं. इन दोनों को आ गया इस तरफ, इस तरफ आ गया डाइपोल. अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा लोन पेयर के ऊपर ज्यादा होती है. ये लोन पेयर है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो लोन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड. लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो एरो उस साइड जाएगा, तो इस साइड चलेगी. ठीक है, अब इनका देखो रिजल्टेंट लिख देते हैं. दोनों इस साइड है, तो दोनों को हम कैसे लिख देंगे? ऐसे करते हैं. तो नीचे वाले प्लेन का डाइपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले प्लेन का भी ऊपर जा रहा है, सो ऑक्सीजन का कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता है. इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं थी, तो ऑक्सीजन हैज सम डाइपोल, सॉरी वाटर हैज सम डाइपोल मोमेंट, सम वैल्यू इज देयर. वैल्यू आल्सो आई डोंट रिमेंबर, यू आल्सो शुड नॉट रिमेंबर. कई क्वेश्चन आएगा तो अपने आप दी होती है. ठीक है, तो ये दिस इज डाइपोल. ओके, अब इसमें जो एक क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई होप द डाइपोल मोमेंट इज गेटिंग क्लियर टू यू. कैंसिल हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो ये इसका मेन मैजिक है डाइपोल मोमेंट का. नाउ आई विल टेल यू अबाउट वन मेन क्वेश्चन दैट कम्स, दैट आउट ऑफ NH3 एंड NF3, अमोनिया एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, विच वन हैज मोर डाइपोल मोमेंट? विच वन हैज मोर डाइपोल moment and why? Which one has more dipole moment and why? तो किसका ज़्यादा होगा? तो तुम्हें पता है dipole moment के लिए अपने को structure पता होना चाहिए. तो मैं एक तरफ पहले structure बना लेता हूँ. किसका? Ammonia का. H structure आ गया. ठीक है? दूसरे बना था fluorine का. F बना दिया. अब nitrogen और hydrogen में ज़्यादा electronegative कौन है? Nitrogen है. तो नीचे वाले plane की कैसे होगी? ऐसे, ऐसे और ऐसे होगी ना. ठीक है, तो मैं इसको ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैसे लिख देता हूं? इसको मिटा के ओवरऑल कैसे लिख दूं?
एच 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 ऐसे करके लिखिए जी, क्योंकि हाइड्रोजन तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन कौन सी इसकी, ऐसे करके डायरेक्शन, तो इसका ओवरऑल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब तुम बताया कि लोन पे का हमेशा किसी बॉन्ड पे से ज्यादा होता है, दिमाग में याद कर लो, तो हमेशा इसकी मूवमेंट क्या होगी, इक्वल मूवमेंट होगी ऐसे करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पे की बात ज्यादा ना, तो ऐसे करके होगी, तो इसका मैं लिख दूं तो ऐसे ऐसे आ गया, इसका ऐसे आ गया, इसका ऐसे आ गया, बन गया डायपोल। अब इस केस में देखो, इसके ऊपर लोन पे होता है, लोन पे वाले की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, मैंने बोला लोन पे किसी के साथ भी हो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ही होती है, तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब इसमें देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट मैंने अभी बता दूं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे करके होगी फ्लोरीन की तरफ, ऐसे करके होगी, ऐसे 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 होगी, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो मैं इसको ओवरऑल करके दिखाऊं तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ओवरऑल करके बताऊं तो कैसा बनेगा, एफ एफ एफ, तो इसका डायपोल मोमेंट ऐसे बनेगा। सो नाउ इसमें एक डायपोल दूसरे को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, डायपोल क्या हो रहा है इसमें, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक डायपोल दूसरे डायपोल को कैंसिल कर रहा है, दूसरे डायपोल को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, NH3 का डायपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होता है। ठीक है, हमें देखने से क्या लग रहा था कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा खींच लेगा, पर ऐसी बात नहीं है, स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठी, डायरेक्शन अलग है, बिकॉज़ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आल्सो, सो दिस इज डायपोल मोमेंट, एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट डे नेक्स्ट